हाँ फ्रेंड्स, राजवान सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में स्वागत है। और ये जो प्रॉपर्टी के बारे में मैं केस स्टडी के बारे में बात करना चाहता हूँ, ये रेट हीरो प्रॉपर्टी सुपर हीरो, मतलब ये ओसी प्रॉपर्टी है। जब खरीदी गई लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि आपका दिमाग ख़राब हो गया, आपने इस रेट पे प्रॉपर्टी ले ली। वो भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि आसपास में 70 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन मिलती थी और ये हमने 2.5 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से ज़मीन खरीदी। और ज़मीन कितनी थी? सिर्फ 2420 गज। हमारे पंजाब में इसको 4 कनाल बोलते हैं, 4 कनाल ज़मीन थी और 1 करोड़ 20 लाख की डील की। ये 2420 के हिसाब से तकरीबन 5000 रुपये गज के हिसाब से मिलते। इसमें इसकी खूबसूरती क्या थी कि ये मेन रोड जा रही है, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब की है, ये मेन रोड जा रही है। मेन रोड पे 166 फुट फ्रंट है और ये यहाँ सारी मार्केट बनी हुई है, सारी टोटल मार्केट बनी हुई है, इस तरफ भी मार्केट बनी हुई है। तो लोगों को महंगी लग रही थी, लेकिन हमें ये बहुत ठीक रेट में लग रही थी। लोगों ने ये भी कहा कि यार आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आपने इतना यहाँ पर आके रेट ख़राब कर दिए। लेकिन हमने तो अपने हिसाब से चलना है, वो अपने हिसाब से चल रही है। मैंने लिखा है बी एन एक्सपर्ट बायर। एक्सपर्ट बायर कौन होता है? जो लोगों की बातों में नहीं आता, जो लोगों की बातों में आ जाता है वो कभी भी एक्सपर्ट नहीं होता, फिर वो लोग ही एक्सपर्ट होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी कोई मिलती है तो आपने अपने तरीके से, अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से वो प्रॉपर्टी लेनी है। ये 5000 रुपये गज में प्रॉपर्टी ली गई और बाहर बाहर 2000 रुपये गज में बाहर से बाहर बेच दी गई। और 2400 को यदि हम 2000 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें से प्रॉफिट 48 लाख रुपये निकलता है। और अभी भी बहुत गुंजाइश है, यदि कोई बंदा इसमें मार्केट बना के बेच देगा, क्योंकि पूरी मार्केट के बीच है, तो डेफिनेटली ये जो है प्रॉपर्टी डबल होने वाली है। तो हमने लोगों की बातें नहीं सुननी यार, लोग तो अपनी बोलते रहेंगे। हम रियल स्टेट के जो काम कर रहे हैं, रियल स्टेट के वो मास्टर हैं, अपने अपने तरीके से बात सोचनी है, अपने तरीके से बात करनी है। लोगों की बातों में आके ऐसी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ देनी। मेरे चैनल पर कितनी वीडियोस पड़ी हैं जहां मेरे को लोगों ने रोका कि ये प्रॉपर्टी मत लो, आप फंस जाओगे, और हमने उसमें से बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकाल के दिखाया। सो हमने लोगों की बातों में नहीं आना। मेरी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में मैंने एक चैप्टर लिखा है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लोगों से अलग होना चाहिए, क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, आप इस फील्ड के मास्टर हो, जबकि लोग नहीं हैं। यदि हम लोगों की बातें सुनकर उनकी बातों पर असर करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि लोगों में हम लोगों की जो नॉलेज है हमारे से ज़्यादा है, हमारी नॉलेज ज़्यादा है। हमने अपनी नॉलेज के बेस पे फैसले करने हैं, लोगों के कहने से फैसले नहीं करने। एक्सपर्ट बायर ऐसा ही है, जो आदमी अपने दिमाग से चले। चाहे ये प्रॉपर्टी रेट वाइज बहुत महंगी थी, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी सुपर हीरो लिखा है, मतलब उससे बढ़िया थे, रेट जितना था उससे बढ़िया प्रॉपर्टी थी और इसमें से निकला भी। आज के लिए इतना ही, इस बात का अपने ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।